अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त कस्टमाइज्ड ब्राइडल बेस का डिटेल्ड वीडियो शेयर करने वाली हूँ और आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीजें इसके अंदर ऐड करनी है जिससे कि आपकी बेस गर्मियों में भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है ना वो हमारी बेस पे ही होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ सबसे पहले आप लोग मेरी मॉडल का बिफोर लुक देख लो, उसके बाद हम बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें कस्टमाइज बेस को रेडी किस तरह से करना है, इसके अंदर हम चीजें कौन कौन सी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स की चीजें नजर आ रही होंगी। सो लेट्स सी कि हम इनमें से कौन कौन सी चीज ऐड करनी है हमारे बाउल में और फिर उसको मिक्स करके कस्टमाइज बेस बनानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सैलून्स में देखते हो कि बहुत ही हाई कवरेज वाली कस्टमाइज बेसिस बनाई जाती हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले गिबलिनी की डर्मा बेस फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ मैं। आपके पास कोई भी फाउंडेशन अवेलेबल है, इवन अगर वो हाई कवरेज वाली फाउंडेशन नहीं है तब भी आप उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो आपको जस्ट वन फेस के लिए इसको जो है वो बनाना है, मतलब आपने इसको बना के स्टोर नहीं करना, आपने उसी टाइम बनाना है एंड उसी टाइम यूज़ कर लेना है, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद ही मैं इसके अंदर प्राइमर ऐड करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे इस मिक्सचर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके स्किन का टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। उसके बाद ही मेरे पास हांडी बेसिस है दो मून टच की, इनके अंदर से मैंने दो कलर्स लिए हैं, एक एवरी एक 45, दोनों का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया है और उसको मैं इस बाउल के अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद ही मेरे पास मिनरल बेस है जो कि आपको पाउडर फॉर्म्स में मिलती हैं और आप पानी के साथ मिक्स करके इनका मिक्सर्स बनाते हो, ऑब्वियसली आपको सबको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। इसका थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे और इसको हम इस बाउल सेट के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद ही आपके पास होता है कॉम्पैक्ट पाउडर, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप इसको ऐड कर लो, नहीं तो आप इसको नहीं भी ऐड करोगे तो कोई मसला नहीं है। ये आपकी बेस को थोड़ा और ज़्यादा थिक और थोड़ा और ज़्यादा हाई कवरेज बनाने के लिए है, तो इसका थोड़ा सा पोर्शन मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद मेरे पास है मिस रोज़ का कंसीलर। सो कंसीलर आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि कंसीलर आपको पता है कि आपके जो अनइवन पार्ट्स होते हैं उनको जो है ना वो हाइड करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ये एक थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मैं लाजमी ऐड करूँगी इसके अंदर क्योंकि हमने काफ़ी सारे थिक बेसिस इसके अंदर ऐड कर दी हैं, तो अगर आप मॉइस्चराइज़र इसमें ऐड नहीं करोगे तो आपका ये जो मिक्सर है ये बहुत ज़्यादा थिक बनेगा और आपकी बेस बहुत ज़्यादा केकी लगेगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर थोड़ा सा सीरम ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू देयर स्किन, जो आप जिस स्किन के ऊपर काम कर रहे हो उस स्किन का टेक्सचर जिस तरह का है उसके अकॉर्डिंग आप सीरम ऐड करोगे। एंड मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जो है ना वो भी आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करना है। लास्ट में यहाँ पर मेरे पास है जी एक्वा जो है वो पैनकेक, आपको इसके बारे में भी पता होगा, ये ब्राइडल बेसिस में लाजमी यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी गांव एरिया की तरफ चले जाते हो ना तो वहाँ पर ये वाला जो पैनकेक है ना ये लाजमी यूज़ किया जाता है स्पेशली ब्राइडल्स पर। तो आपने ब्रश को अच्छी तरह से गीला कर लेना है, उसके बाद आपने उसी ब्रश के साथ अच्छी तरह से उस ब्रश को रब करना है पैनकेक के ऊपर, और जब अच्छा खासा प्रोडक्ट आपके ब्रश के ऊपर आ जाएगा फिर आपने इस ब्रश को मिक्स करने के लिए यूज़ करना है उस मिक्सर को जो आपने बनाया था। अभी जी आपने जितने भी प्रोडक्ट्स बाउल के अंदर ऐड किए हैं इनको आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसका एक भी पार्ट आपको अलग से नज़र नहीं आना चाहिए, मतलब कि जब तक आपका ये मिक्सर एक लिक्विड फाउंडेशन की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है। उसके बाद आपको एक बाउल के अंदर बिल्कुल ठंडा पानी लेना है और यहाँ पर आपको आइस रोलर नज़र आ रहा होगा। प्रीवियस एक वीडियो में बहुत डिटेल में मैं इस पार्ट को या इस प्रोडक्ट को जो है ना वो शेयर कर चुकी हूँ इसके बेनिफिट्स के साथ। तो इसको मैं यूज़ करूँगी बेस बनाने से पहले, और जो मैंने ब्लेंडर यूज़ करना है वीडियो के दौरान इसको भी मैं पानी के अंदर डाल लूँगी ताकि ये अपना साइज़ इंक्रीज़ कर दे और फिर मैं ब्लेंडिंग जो है ना वो इजीली कर सकूँ। सो ये ब्लेंडर जो है ना ये मेरी अपनी ब्रांड का है, इसमें आपको दो ब्लेंडर्स मिलेंगे, एक ब्लैक कलर में और एक पिंक कलर में। सो अगर आप इन ब्लेंडर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप जो है ना मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंशन होगा या फिर आपको स्क्रीन पर भी नंबर नज़र आ रहा होगा। एंड कम से कम भी 10-15 मिनट तक आपने इन दोनों चीज़ों को पानी के अंदर ही रहने देना है। उसके बाद मून टच का मेरे पास फेस टोनर है, अच्छा ये कूल मिंट टोनर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक स्वेटिंग का इशू है या फिर आपके आपको लगता है जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कुछ लोगों को कि जब वो फेस पे बेस बनाते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनका दम घुट रहा है, उनकी फेस लाइक स्किन जो है ना वो सांस नहीं ले पा रही, तो इस सिचुएशन में आप इस तरह से इस मिंट टोनर को जो है वो फेस पे अप्लाई करोगे तो आपका फेस बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करेगा। उसके बाद ये हमारा ये जो आइस रोलर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो मैंने इसको इसके हैंडल पे लगा लिया है। अब कम से कम भी 5 मिनट तक मैं इसके साथ जो है ना वो आइस रोलिंग करूँगी अपनी मॉडल के फेस के ऊपर। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आपको लगता है कि आपकी मॉडल को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या उसका फेस बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो आप अपनी मॉडल के या अपनी क्लाइंट के हाथ के अंदर ठंडे पानी का ग्लास पकड़ा दें, उससे क्या होगा कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है द ऑर्डिनरी का नाइसिनमाइड सीरम, ये मैं अप्लाई करूँगी सबसे पहले बेस लगाने से भी पहले, और इसको मैं एक ड्रॉप जो है वो एक चीक्स पे, दूसरा ड्रॉप दूसरे चीक्स पे, मतलब बहुत ज़्यादा आपने भर भर के अप्लाई नहीं करना,
जस्ट नॉर्मल क्वांटिटी लगानी है एंड इसका ड्रॉपर आपकी स्किन के साथ टच नहीं होना चाहिए वरना आपका सारा सीरम जो है ना वो खराब हो जाएगा। अभी यहाँ पर बारी आती है कलर करेक्शन की, तो यहाँ पर मेरे पास है प्रो का कंसीलर ऑरेंज कलर में। सो इसके साथ आपके फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, डार्क एरियाज हैं, उनको आपने कवर करना है ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ। इसके अलावा आपको स्टिक फॉर्म में भी कलर करेक्टर्स मिल जाते हैं। सो अगर आप इस कलर करेक्टर को परचेज करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, lashesbeautypolar.com के नाम से मेरी वेबसाइट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे से कंसीलर अप्लाई करने के बाद आपको सिंपल वाला स्पंज लेना है और आपने जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया पर कंसीलर अप्लाई किया था उस एरिया पर आपको डैबिंग करनी है। इससे क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपके उस ऑरेंज कैरेक्टर का वो आपके स्पंज के साथ उठ जाएगा एंड देन आपका जो वो पार्ट है, जो आपका कंसीलर है, वो फिक्स हो जाएगा स्किन के साथ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक है, इसका 45 नंबर मैं यूज़ करने वाली हूँ। बिकॉज आपको पता है कि मेरी मॉडल का जो कम्प्लेक्शन है वो मीडियम है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है और डार्क भी नहीं है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन है, तो हम एकदम से फेयर बेस नहीं लगाएंगे। सो मैं यहाँ पर 45 नंबर जो है ना इसका यूज़ करने वाली हूँ। इसको पहले आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, फिर आपने इसके ऊपर जो है ना वो लिक्विड वाला मिक्सर अप्लाई करना है। अगर आप डायरेक्ट मिक्सर अप्लाई कर देते हो तो वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चूंकि मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि आपको डायरेक्ट जो है ना वो फेयर टोन की तरफ नहीं जाना, जो बेस की फर्स्ट लेयर होती है ना वो आपको आपकी स्किन से मिलती जुलती ही लगानी है। उसके बाद आप अगर फेयर टोन की तरफ भी चले जाते हो ना तो कोई मसला नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की डिमांड यही होती है कि हमें फेयर बेस चाहिए, पता चलना चाहिए कि हम सैलून से तैयार हुए हैं, तो हैवी बेस लगाइएगा, फेयर बेस लगाइएगा। तो हमें क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से ही चलना होता है। तो मेरा अपना भी सैलून है तो मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ कि हर दूसरा बंदा आके यही डिमांड करता है कि उसको फेयर बेस चाहिए। तो आप इस तरह से इस मिक्सर को बना सकते हो। अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है कि उसको फेयर बेस नहीं चाहिए, देन जैसे मैंने यहाँ पर हांडी बेस का आइवरी शेड यूज़ किया था, आप वो स्किप कर दोगे। अब जब आपका ये लिक्विड मिक्सर आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा, फिर आपने ब्लेंडर को पानी से निकालना है और इसको आपने अपने हाथ के जरिए ही बहुत अच्छी तरह स्क्वीज़ कर देना है। इतने अच्छे से स्क्वीज़ करना है कि इसका जितना भी पानी है वो सारा जो है ना वो निकल जाए। आपका ब्लेंडर जो है वो सेमी वेट होना चाहिए, बिल्कुल वेट नहीं होना चाहिए वरना ब्लेंडिंग में आपको बहुत ज़्यादा इशू आएगा। और ब्लेंडिंग आपने इतने अच्छे से करनी है कि आपका मतलब आपका फेस देख के पता ही ना चले कि आपके फेस के ऊपर आपने कुछ लगाया हुआ है। आपके बिल्कुल स्किन टोन के साथ फाउंडेशन जो है ना वो एडजस्ट हो जानी चाहिए। अब आपने इसकी ब्लेंडिंग करना है छोटे छोटे स्ट्रोक में। आपने इसको जो है ना आपने इसको साथ साथ हल्का हल्का रब भी करना है, हल्का हल्का डैब भी करना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये थोड़ी थिक फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती। और जी मैंने यहाँ पर कम से कम 10 मिनट तक लगातार ब्लेंडिंग की है बेस की, और आप ग्लो देखो कि कितना अच्छा बेस के अंदर ग्लो आ गया है। अभी यहाँ पर अगर आप पाउडर नहीं भी लगाते ना तो आपकी बेस बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, ये अब ख़राब नहीं होगी। लेकिन इसको मजीद लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपने बेस को फिक्स लाजमी करना है ताकि आपकी जो ब्राइडल है वो पूरा इवेंट जो है वो आराम से गुजार सके, उसकी बेस खराब ना हो। सो यहाँ पर मैं क्रायलॉन का ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप बेस को थोड़ा और हैवी करना चाहते हो तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करोगे, और अगर आप बेस को एज इट इज रखना चाहते हो तो फिर आप ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ करोगे। सो यहाँ पर TL11 शेड है ट्रांसल्यूशन पाउडर का जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ हम डैब डैब करके प्रोडक्ट को फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और पूरे फेस पर बहुत अच्छे से, कंजूसी नहीं करनी, पाउडर अप्लाई करने में ज़्यादा लग जाता है तो कोई मसला नहीं है। आप इसको बाद में डस्ट आउट करोगे तो आपका पाउडर नॉर्मल हो जाएगा, ये ऐसे नहीं रहेगा जैसे अभी आपको नजर आ रहा है। सो आपने क्या करना है, आपने फ्लफी ब्रश के साथ पाउडर लगाने के बाद पूरे फेस से अच्छी तरह से एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट आउट कर देना है और आपकी बेस जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। सो यहाँ पर मेरे पास मसरत मिस्बा का आईब्रो पैलेट है जिसके अंदर से मैं लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन दोनों कलर्स को मिक्स करके प्रॉपर जो है वो आईब्रोज को शेप देने वाली हूँ। और मेरा हर किसी का अपना तरीकाकार होता है मेकअप करने का। कुछ लोग सबसे पहले आई मेकअप करते हैं फिर बेस बनाते हैं, कुछ लोग बेस बनाते हैं फिर आई मेकअप करते हैं फिर कंटूरिंग करते हैं, कुछ लोग पहले कंटूरिंग कर लेते हैं फिर आई मेकअप करते हैं। तो अपना अपना तरीका होता है, कोई मसला नहीं है या फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर कोई पाबंदी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आईब्रोज की शेप बनाने के बाद मैंने क्रिस्टीन के कॉन्टोर पैलेट के साथ जो है ना वो कंटूरिंग की है प्रॉपर फेस की बहुत अच्छे से। और इसके साथ जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास अभी ब्रश है ना, ये मेरे पास आई थिंक सो क्रायलॉन का ब्रश है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं अफोर्डेबल ब्रशेज़ पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोग किसी अच्छे ब्रशेज़ की तलाश में हो तो आप लोगों ने वधारिया के ब्रशेज़ लाजमी ट्राई करने हैं। 999 का पूरा पैक मिल जाता है, 14 ब्रशेज़ उसके अंदर है और हर आपकी जो ज़रूरत का ब्रश है ना वो आपको उसके अंदर से मिलेगा। आई मेकअप के लिए यहाँ पर मैं अपनी ब्रांड का वेलवेट शेड यूज़ कर रही हूँ। सो इसको मैं पहले फिंगर के साथ पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, उसके बाद इस ग्रीन कलर को थोड़ा मजीद शार्प करने के लिए मैं डार्क ग्रीन कलर यूज़ करने वाली हूँ अपने आईलिड्स के ऊपर। और आपने देखा है कि मैंने इसको फिंगर के साथ ही पूरा अप्लाई किया है क्योंकि वेलवेट शेड्स हमेशा फिंगर के साथ ही बहुत अच्छे अप्लाई हो जाते हैं।
तो यहाँ पर मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का नाइट क्वीन आई शेडो पैलेट था, जिसके अंदर से मैंने ब्राउन कलर लिया है। एंड इसके साथ बहुत अच्छे से हम आइज की जो है ना वो करेंगे कॉन्टोरिंग। आप कॉन्टोरिंग पहले भी कर सकते हो, आप कॉन्टोरिंग वेलवेट शेड लगाने के बाद भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आपने उसको वैसे ही करना है। आइज के नीचे भी सेम ब्राउन कलर मैं थोड़े फ्लैट ब्रश के साथ अप्लाई करी हूँ। एंड अगेन कहूँगी कि अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज परचेज कर सको, तो आपने वधारिया के ब्रशेज लाजमी ट्राई करने हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्रशेज हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जी दोबारा से मैं वेलवेट ग्रीन कलर को रिफ्रेश करी हूँ आइज़ के ऊपर, चूँकि कंटूरिंग के दौरान कलर थोड़ा सा फॉल आउट हो गया था, तो वो हम रिफ्रेश करेंगे। एंड इसी पैलेट के अंदर ही सिल्वर कलर मौजूद था, वो मैंने अपने ब्रोबन एरिया पर और अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया। मजीद शाइन के लिए मैंने यहाँ पर गिबरिनी का हाईलाइटर पैलेट लिया। एंड अगेन मैंने इसको अपने ब्रोबन एरिया पर और अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया, और ये यकीन करें इतना हसीन लगता है ना कि आप कहीं लगा कर चले जाओगे ना, इवन आप सॉफ्ट लुक के साथ भी लगाते हो तो हर बंदा आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने इनर कॉर्नर पर क्या लगाया हुआ है। सो यहाँ पर मिस रोज़ का हाईलाइटर पैलेट है मेरे पास, इसके अंदर ग्लिटर पैलेट है मेरे पास। इसके अंदर आप लोगों को जो है ना वो रेडी टू यूज़ ग्लिटर्स मिलते हैं, आपको अलग से सीलर या ग्लू की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके अंदर से मैंने ये ग्रीन कलर लिया है और इसको मैं अपनी फिंगर के साथ ही अपने मॉडल के आईलिड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। एंड मेक श्योर कि अगर आपकी मॉडल की या क्लाइंट की आइज़ छोटी हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ग्लिटर की अप्लाई ना करो, क्योंकि ये ग्लिटर जो है ना ये वैसलीन के साथ मिक्स होकर मिक्सर इसका बना होता है, तो वो फिर जल्दी क्रीज कर जाएगा। आईलाइनर के लिए जी यहाँ पर मैं काशिश का लिक्विड वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ। एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट आईलाइनर है ये, और आपको पता है कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में यही यूज़ करती हूँ। तो ब्राइडल के लिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपने यही वाला लाइनर ही यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर विंग लुक में लाइनर जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। अब लगाएंगे जी मस्कारा। सो मस्कारा के लिए मेरे पास है मेबेलिन का दी फालसीज मस्कारा। एंड इसके साथ प्रॉपर हम अपनी आईलैशेज को वॉल्यूम देंगे, मतलब कि आपने फेक लैशेज बाद में लगानी है, पहले आपने अपनी रियल लैशेज को वॉल्यूम देना है, क्योंकि अगर आप बाद में लैशेज लगाने के बाद जो है वो लैशेज मस्कारा अप्लाई करते हो ना, तो वो आपकी फेक लैशेज का जो लुक है ना वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, आइज के अंदर मैं वाइट जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी, हर चीज़ का नंबर मैं साथ मेंशन करती हूँ कि आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लें, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर लेना, lashesbeautyparlor.com के नाम से मेरी वेबसाइट है, जिस पर आपको हर चीज़ डिफरेंट ब्रांड्स की भी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिस रोज़ का ब्लश है मेरे पास, इसमें मैं 8 नंबर यूज़ करने वाली हूँ। एंड प्रॉपर मैं इसके साथ जो है ना वो बहुत ही मज़े का जो है वो लुक क्रिएट करेंगे हम इसके साथ, क्योंकि आपको पता है ब्लशन एक ऐसी चीज़ है कि आपने फुल मेकअप किया हो या ना किया हो, ब्लशन आपने लाजमी अप्लाई किया होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है, और काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट भी होगा मेरी तरह। उसके बाद यहाँ पर गिबरिनी का हाईलाइटर पैलेट है मेरे पास 8 नंबर, इसके अंदर से मैंने इन दो कलर्स को मिक्स किया है। एंड देन मैं इसके साथ फेस को पॉपअप लुक दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि हाईलाइटर बहुत ही ज़्यादा हसीन लगता है। मेरे ख्याल से 100 में से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको ग्लोई लुक पसंद होता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो मैट लुक की डिमांड करते हैं, क्योंकि मेरे पास सलोन में बहुत सारी जो क्लाइंट्स आती हैं ना, उनमें से 80% लोगों की डिमांड यही होती है कि उनको बहुत ही ज़्यादा ड्यूई और ग्लोई मेकअप लुक चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं आके कि भाई मुझे इस मैट रखिएगा लुक को, या मेरे फाउंडेशन को डार्क ही रखिएगा मेरे स्किन टोन जैसा। उसके बाद ही यहाँ पर गिबरिनी की लिप पेंसिल है, जिसके साथ हम लिप को प्रॉपर शेप देंगे। एंड प्रॉपर शेप देने के बाद आप लिप ग्लोज अप्लाई करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो आप लिप ग्लोज अप्लाई करने से पहले वैसलीन लाजमी अप्लाई कर लिया करें, चूँकि लिप्स के ऊपर अभी बेस वगैरह भी अप्लाई हुई है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि लिप ग्लोज लगाने से पहले आप बेस को साफ करो लिप्स से, क्योंकि बेस जब लग जाती है ना लिप्स के ऊपर तो आपके लिप्स एक टोन में चले जाते हैं। फिर ये होता है कि जो भी आप लिप ग्लोज लिपस्टिक जो भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही टोन नज़र आ रहा होता है आपको लिप्स के ऊपर जैसा वो होता है। अदरवाइज़ अगर आप उनको डायरेक्ट लगाते हो लिप्स के ऊपर, मतलब आपके रियल लिप्स के ऊपर आप उसको लगाते हो, तो वो शेड नज़र नहीं आ रहा होता जो वो उसका होता है। सो जी यहाँ पर फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। होप्स हो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और इस खूबसूरत से हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल आपको मामा के चैनल पर मिलेगा। लैशेज ब्यूटी पार्लर के नाम से हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है, वहाँ पे आप इस हेयर स्टाइल का वीडियो देख सकते हो। और जी ये खूबसूरत सा ड्रेस जो कि मेरे मॉडल ने पहना हुआ है, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, और आपको पता है कि दराज पे जो है ना वो बहुत सारी सेल्स वगैरह लाइव होती रहती हैं, और बहुत ज़्यादा कम प्राइजेस पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो आजकल दराज पे एक्सपो लाइव हुई हुई है, जिसकी वजह से आप कॉस्मेटिक्स पे ड्रेसेस पे हर चीज़ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। तो आपको उस एक्सपो सेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो। और इस ड्रेस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू ऑर्डर। एंड जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे भी लाजमी फॉलो कर लेना, आसमा खान ऑफिशियल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो मेरी डेली रूटीन की वीडियोज़ होती हैं या कभी कभी मैं टिकटॉक भी बना लेती हूँ,
और इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं अदर एक्टिविटीज़ वो सब कुछ जो है ना वो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह लगाती रहती हूँ, अपलोडिंग भी करती रहती हूँ सॉरी तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोल बोल के मेरा गला जो है ना वो बंद होने वाला हो गया, अब मैं यहाँ से उठ के जाऊँगी, पानी वगैरह पीऊँगी एंड फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन करूँगी। सो मेरी इस मेहनत को सराहा करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आप लोगों के अप्रिसिएशन देख के जो एनर्जी मिलती है ना मुझे, उसी की वजह से मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए ला पाती हूँ। वरना तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई वीडियो वायरल नहीं हुई तो मेरा दिल जो है ना वो टूट फूट जाता है। और जी नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक्स भी मुझे सजेस्ट करते रहा करें, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो है ना वो टॉपिक ढूंढना है। समझ ही नहीं आती कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि इतनी जो है ना वो मैं हज़ारों की तादाद में वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ कि मुझे टॉपिक ही समझ नहीं आता कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ कि आप लोगों को पसंद आए। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग डिमांड करोगे तो मुझे पता होगा कि हाँ कि मैं इस चीज़ को करूँगी तो इसकी जो है ना वो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली मेरी जो मेहनत है वो तभी वसूल होती है जब वीडियो वायरल होती है, तो वीडियो को वायरल कर दिया करें आप लोग, क्या जाता है यार, एक लिंक शेयर करना होता है आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या फिर अपने किसी ग्रुप वगैरह में, तो कर दिया करो, आपकी वजह से किसी और का भला हो जाएगा जो इतना पे करके नहीं सीख सकता। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।